आयुष्मान भारत योजना, लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त पीवीसी कार्ड, अब कहीं भी करा सकेंगे अपना इलाज। पैसों की तंगी की वजह से जिन लोगों को इलाज कराने में दिक्कत आती है, उन लोगों के लिए भारत सरकार ने आयुष्मान योजना की शुरुआत की है। अब इसके तहत भारत सरकार ने लाभार्थियों को एक खास सुविधा दी है। जिन लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सकता है, अब वो लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अपने पात्रता कार्ड मुफ्त में खरीद सकते हैं। इस कार्ड पर जो 30 रुपये शुल्क लगते थे, वो भारत सरकार ने माफ कर दिए हैं। अब लाभार्थियों को पीवीसी आयुष्मान कार्ड मिलेगा, साथ ही इसकी डिलीवरी भी आसानी से की जाएगी। बताया जा रहा है कि ये कार्ड कागज वाले कार्ड की जगह लेंगे। अगर ये कार्ड पीवीसी पर प्रिंट होंगे तो इससे कार्ड का रखरखाव आसान होगा। लाभार्थी एटीएम की तरह इसे अपने जेब में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी नहीं कार्ड, ये कार्ड बेनिफिट्स लेने वालों की पहचान और वेरिफिकेशन करने के लिए एक अहम हिस्सा है। मगर जरूरी नहीं है कि ये कार्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए अनिवार्य हो। इस कार्ड के जरिए रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएं बिना बाधा के मिल पाएंगी। इसके साथ ही ये कार्ड किसी भी तरह के दुराचार और को रोकने में मदद करेगा। इस कार्ड के जरिए लोगों को मुफ्त में इलाज मिलता है, इससे गरीबों को काफी फायदा भी होता है। खास बात यह है कि अब इस कार्ड से आप देश भर में कहीं भी किसी भी अस्पताल में जाकर अपना इलाज मुफ्त में करा सकेंगे। कार्ड बनवाने के लिए राशि, जब कॉमन सर्विस सेंटर पहली बार आयुष्मान कार्ड जारी करेगा, तब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 20 रुपये की एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा। इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2021, भारतीय डाक विभाग ने कई पदों पर निकाली वैकेंसी, 10वीं पास वाले जल्द करें आवेदन। यदि आप 10वीं पास हैं और जॉब की तलाश है, तो आपको बता दें कि भारतीय डाक विभाग ने कई पदों पर वैकेंसी निकाली है। ये भर्तियां ग्रामीण डाक सेवक के लिए है। बता दें इन भर्तियों की कुल संख्या 3679 से अधिक है। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा चुके हैं। जो इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो 26 फरवरी 2021 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि AP डाकघर, दिल्ली डाकघर और तेलंगाना डाकघर में ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2021 की भर्तियां की जा रही हैं। इसकी प्रक्रिया 27 जनवरी 2021 को शुरू हुई थी। 8वीं पास वालों के लिए सिंचाई विभाग में भी भर्तियां निकली, जल्द से अप्लाई करें। जो 8वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उन युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है। दरअसल सिंचाई विभाग ने ग्रेड 4 पदों चपरासी, खलासी और APPO की कुल 22 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नॉर्थ कामरूप सर्कल सिंचाई नालबारी के लिए विज्ञापन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार असम सरकार के भर्ती पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार 19 फरवरी 2021, उम्मीदवार 5 मार्च तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से कम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा OBC उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष और SC ST के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है। कैसे करें अप्लाई? इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियुक्त पोर्टल पर 19 फरवरी को उपलब्ध करवाए जाने वाले ऑनलाइन फॉर्म को भरना होगा, जिसके बाद ये आवेदन प्रक्रिया कुल 6 चरणों में पूरी होगी। अधिक जानकारी पाने के लिए पोर्टल पर विजिट करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस वेबसाइट का लिंक ले सकते हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।